हाई एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग. वेलकम टू अनदर रिव्यू वीडियो. आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ mistros.com.bk की न्यूली रिलीज्ड फाउंडेशन. दिस इज मिस्रोज डबल वेयर परफेक्ट मैट फाउंडेशन. एंड मैं समर्स के लिए एक फाउंडेशन ढूंढ रही थी बिकॉज समर्स में हमें लाइट वेट फाउंडेशन चाहिए होती है, और ऐसी फाउंडेशन चाहिए होती है जो मेल्ट ना हो. सो इस फाउंडेशन का आज डिटेल रिव्यू करते हैं. मेक श्योर कि आपने वीडियो जो है ना एंड तक देखनी है. अच्छा, ये मैंने आप लोगों को इसकी आउटर एंड इनर पैकेजिंग दिखा दी. वेरी बेसिक एंड वेरी यूजुअल पैकेजिंग जैसी होती है. मुझे ट्यूब वाली फाउंडेशंस बहुत पसंद होती हैं बिकॉज ये इजीली कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो. सबसे पहले यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है प्योरर का टोनर. ये बेसिकली आपके ऑयल को कंट्रोल करता है जो कि समर्स में रिक्वायर्ड होता है, स्पेशली अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है. अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को स्वॉचेस दिखा रही हूँ. सो इस फाउंडेशन में टोटल 6 शेड्स आते हैं एंड मैंने जो है ना आइवरी 6 शेड यूज़ किया है जो कि परफेक्ट जाता है मेरी स्किन टोन पे. और मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्रश जो है ना आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर. और आई वॉज अमेज्ड एंड शॉक्ड. आप लोग देख सकते हैं जितना मैं ब्लेंड कर रही हूँ वो उतना ही नेचुरल लग रहा है. एंड ये जो फाउंडेशन है ना ये बिल्कुल मैट नहीं है, थोड़ा बहुत शाइन आप लोगों को प्रोवाइड करेगी. बट अगेन मेरी ऑयली स्किन है और इसने बहुत अच्छे से जो है ना मेरी स्किन पे काम क्या है. ये आप देख सकते हैं कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई की हुई है. मतलब इतनी जबरदस्त एंड अमेजिंग ये फाउंडेशन है कि मैं खुद ही हैरान हो गई थी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होती है. ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है कि वो फाउंडेशन जो है ना थोड़ी देर बाद डार्क हो जाती है. सो ये फाउंडेशन जो है ना ऑक्सीडाइज नहीं होती. अच्छा, अब मैं यूजुअल अपना मेकअप कर रही हूँ, रेस्ट ऑफ माय फेस कंसीलर कॉन्टोर किया. एंड गर्मियों में पाउडर से अपना फेस जरूर सेट करें. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ mistros.com.bk की फेस पैलेट और ये बहुत बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि जब फाउंडेशन के ऊपर मोस्टली हम लोग पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन अपनी जगह से सेपरेट हो जाती है, लेकिन ये वाली फाउंडेशन जो है ना ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होती है एंड बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड स्मूथ लगती है ये फाउंडेशन आपके फेस पे. इसकी लॉन्गिटिविटी की बात करें तो ये फाउंडेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. इतनी समर्स में, इतनी गर्मियों में भी आपके फेस पे स्वेटिंग जो है ना उसको रोकती है. और मेरी तरफ से ये वाली जो फाउंडेशन है ना ये रिकमेंडेड है. एंड दिस पैलेट इज ऑल्सो रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को कॉन्टोर, ब्लश, इवन आई शेडो भी मिल रहे हैं एक ही पैलेट में. इंस्टेड ऑफ कैरिंग सो मैनी पैलेट्स अलग से, ये आप एक पैलेट जो है ना इसको खरीद सकते हैं. और ये इतने पिगमेंटेड है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा लंबा अरसा ये चलने वाली है. अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को इस पैलेट के शेड्स दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है. इसके बाद मैं यहाँ पे mistros.com.bk का लिप क्रेयॉन लगा रही हूँ विच इज़ सो गुड एंड सो लाइट वेट. अगेन यू कैन यूज़ माई कोड mano10 टू गेट 5% ऑफ फ्रॉम mistros.com.bk. ये जो है ना फाइनल रिजल्ट है. आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन कितनी नेचुरल एंड कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है. ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई हाई एंड की फाउंडेशन अप्लाई की हुई है. लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड आई थिंक ये आप लोगों को अराउंड सेल पे 650 की मिल जाएगी. एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को और सस्ती जो है ना ये फाउंडेशन मिल जाएगी. सो अगर आप लोगों को समर्स के लिए बिल्कुल लाइट वेट, वाटर प्रूफ एंड ऑयल फ्री फाउंडेशन चाहिए सो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.